मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र में काली नदी पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश फैसल अब्बास जेदी निवासी कृष्णपुरी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। घायल बदमाश फैसल को 2 दर्जन नकेटी लूट और मर्डर के मामले दर्ज हैं। लखनऊ और मुरादाबाद तक में घायल बदमाश ने दिए हैं चेन स्नेचिंग और लूट के बड़े कारनामे। संवाददाता पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। हाँ, ये बैलना चौकी के पास में रात में पुलिस चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो चेकिंग में नहीं रुके और उसामली बाईपास की तरफ भागे। भागने पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो काली नदी पुल से पहले ही उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जंगल में उतारनी चाही जिसमें मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। उसके बाद जैसे ही मोटरसाइकिल स्लिप होती है तो बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किए जाने पे एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा बदमाश जो है सामने खड़ी फसलों का फ़ायदा उठा के भाग गया। इस बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचे, कारतूस, जिंदा कारतूस ये रिकवर हुए हैं। इस बदमाश को जब नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम फैसल अब्बास बताया। इसके जब देखा गया तो इस पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, लूट, डकैती और इस तरह के विभिन्न अपराधों के मुकदमे हैं। 2 केसों में अभी भी ये थाना कोतवाली से वांछित था जिसपे 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। इसके अलावा अन्य जनपदों से भी ये वांछित चल रहा है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन